प्राइस क्या रखे भैया इसका? इसका प्राइस आपको 82,000 इसमें आपको 40,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 40,000 लाइए, बाकी घर लेके जाइए गाड़ी ना। इसमें 32,000 करना पड़ेगा। 32,000 दीजिए, गाड़ी लेके जाइए। प्राइस क्या रखे भैया इसका? इसका 48,000। कितना कम कर दिएगा आने पे? इसमें आपको कम कर देंगे 5,000। 5,000 कम कर दिएगा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसमें कम से कम आपको 18,000। चलिए भाई 18,000 दीजिए, गाड़ी अपने घर लेके जाइए। कम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 5,000 कम कर देंगे, मतलब 60 में छोड़ दीजिएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग आगे आपको सेकंड हैंड बाइक का कलेक्शन दिखाने वाले। सेकंड हैंड बाइक का कलेक्शन की बात किया जाए तो आपको हर वो बाइक मिलेगा जो आप मार्केट में खोजते हो, चाहे आप स्पोर्ट्स बाइक खोजो, स्कूटी खोजो या फिर आप माइलेज बाइक खोजो। स्पेशल आपको इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा माइलेज बाइक दिखाने वाले क्योंकि माइलेज बाइक का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। स्पोर्ट्स बाइक में आपको अपाची का दिखाएंगे, कुछ कुछ आप देख सकते हो इस साइड अपाची का ये कलेक्शन आपको मिलने वाला है। साथ में स्कूटी, एकाध स्कूटी आपको दिखाने वाले हैं। एड्रेस की अगर बात करें तो एड्रेस भी आपको समझा देते हैं। जस्ट इधर आप देख लेना, ये आपका राजेंद्र चौक होने वाला है। ये जो आप रोड देख रहे हो, जस्ट राजेंद्र चौक से आप अगर मेन रोड साइड से आ रहे हो, लेफ्ट साइड में आपको एक रोड दिखता है। इस रोड से आप अंदर आओगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बोर्ड देख लेना इम्तियाज मोटर का। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इम्तियाज झारखंड ओल्ड बाइक सेल्स एंड परचेज, यहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा। बाकी इस साइड आपका गाड़ी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सारा बाइक आपको दिखाएंगे, प्राइस बताने वाले हैं, कितने प्राइस में आने वाला, डाउन पेमेंट सॉरी फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं, ये आपको हम लोग बताने वाले हैं। तो भाई जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हो कर देना सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन दिखता है उसे भी कर लेना प्रेस, वीडियो कर देना लाइक, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ हमारे अंदाज में। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पहला बाइक हो जाता है अपाची का RTR 164B, देखने को मिलता है रेड कलर में। नंबर प्लेट की बात किया जाए तो भाई देख लो, रांची नंबर प्लेट में आपको गाड़ी मिल जाएगा। भैया मॉडल कब का होने वाला है ये? आपका 2019 मॉडल है। 2019 का मॉडल है, ठीक है। किलोमीटर क्या चला हुआ है? 12,000 कुछ किलोमीटर रनिंग किया, 12,000 अप्रोक्स किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। फर्स्ट ओनर है गाड़ी? फर्स्ट ओनर होने वाला है, ठीक है। टायर की कंडीशन? 5 साल का आपका इंश्योरेंस भी है? 5 साल का इंश्योरेंस भी इसमें, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। टायर की कंडीशन की बात करें तो देख लो कुछ इस तरह से होने वाला है। प्राइस क्या रखे इसका? इसका आपका पड़ेगा 85,000। शोरूम आने पे कुछ कम हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 85 है। फाइनेंस करके डाउन पेमेंट कितना देना होगा? अगर इसको फाइनेंस करवाइएगा तो कम से कम 30,000 डाउन पेमेंट देना। 30,000 दीजिए, गाड़ी घर लेके जाइए ना। चलिए बहुत बढ़िया। ये भी आपका सेम मॉडल होने वाला है, बस कलर का डिफरेंस है। भैया मॉडल कब का है ये? 2020 का है। ये 2020 का है अपाची RTR 164B, देख सकते हो भाई, ठीक है। किलोमीटर क्या चला हुआ भैया? ये किलोमीटर आपका 15,000 चला। 15,000 मात्र? प्राइस क्या रखे? ये गाड़ी का रेट आपको 85 पड़ेगा। 85 इसका भी प्राइस है? हाँ। आने में कम कर दीजिएगा? कम कर देंगे। इसमें भी डाउन पेमेंट 30,000 देना होगा? हाँ, इसमें भी 30,000। देख लीजिए भाई नंबर प्लेट, आप देख लीजिए रांची नंबर प्लेट में गाड़ी है। टायर की कंडीशन की बात करें तो आप देख लो कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया अपाची। फिर से हमें एक मिलता है अपाची RTR 164B। ये गाड़ी की बात करें तो भाई कलर आपको ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है। तीन यहाँ पे हम लोग अपाची RTR 164B लेके आए। मॉडल कब का भैया ये? ये आपका 2020 मॉडल है। 2020 मॉडल। हाँ। किलोमीटर क्या चला हुआ है? ये किलोमीटर चल चुका है 20,000। 20,000 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। नंबर प्लेट देख लो भाई, रांची नंबर प्लेट में गाड़ी है। टायर की कंडीशन की बात करें तो भाई अभी भी ऑलमोस्ट 60-70% है। प्राइस क्या रखे भैया इसका? इसका प्राइस आपको 82,000। चलिए बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिक्सर सुजुकी का जिक्सर हमें मिलता है। मॉडल कब का हो जाएगा भैया? यह 2021 मॉडल है। 2021 का मॉडल है। किलोमीटर क्या चला हुआ है? यह किलोमीटर 10,000 चला हुआ है। 10,000 मात्र, 10,000 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है। प्राइस क्या होने वाला है इसका? इसका प्राइस आपको 90,000। 90,000 शोरूम विजिट करने में कितना कम करिएगा? 5,000 डिस्काउंट। 5,000 डिस्काउंट दे दीजिएगा। फाइनेंस करके कितना डाउन पेमेंट देना होगा इसमें? इसमें आपको 35%। 35,000 दीजिए भैया, गाड़ी अपने घर लेके जाइए ना। चलिए देख लीजिए नंबर प्लेट आपको धनबाद नंबर प्लेट में हो जाएगा। टायर की कंडीशन की बात करें तो भाई अभी भी ऑलमोस्ट 80% टायर अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे हमें मिलता है एक अपाची का RTR, ये कौन सा होने वाला है? ये वर्जन 6 अपाची है। अपाची का वर्जन 6 RTR 160 हमें मिलता है देखने को यहाँ पे। किलोमीटर क्या चला होगा भैया? ये किलोमीटर 12,000 चला हुआ। 12,000 मात्र? फर्स्ट ओनर या सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर 2021 मॉडल। 12,000 किलोमीटर रनिंग होने वाला है, फर्स्ट ओनर होने वाला है। नंबर प्लेट की बात करें तो देख लो भाई, रांची नंबर प्लेट में ये भी गाड़ी मिल जाएगा।
टायर आपका ऑलमोस्ट 50-60% बचा होगा, ठीक है। प्राइस क्या रखे इसका? इसका प्राइस आपको 90,000। इसमें भी 90,000? हाँ। चलिए बहुत बड़े, कितना देना होगा डाउन पेमेंट? इसमें आपको 40,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 40,000 लाइए, बाकी घर लेके जाइए गाड़ी ना। चलिए, बाकी यहाँ पे पल्सर का बहुत डिमांड आता है लोगों की। पल्सर भैया वीडियो में पल्सर दिखाइए। तो भैया देखिए, पल्सर में एकदम डिसेंट लुक में हम लोग लेके आ गए। 125 आपको होने वाला है। किलोमीटर क्या चला होगा भैया? यह किलोमीटर आपका 16,000 चला। 16,000? हाँ। भाई देख लो, सिर्फ और सिर्फ 16,000 किलोमीटर चला हुआ है। मॉडल कब का होने वाला है? ये 2020 लास्ट का है। 2020 का लास्ट का दिसंबर का बोल सकते हैं, ठीक है। पल्सर 125 cc। पल्सर 125। प्राइस क्या रखे इसका? इसका प्राइस आपको 65,000। 65,000? चलिए बहुत बढ़िया, 65,000 है। इसमें भी शोरूम विजिट कीजिएगा तो कम हो जाएगा। नंबर प्लेट देख लो, रांची नंबर प्लेट में। टायर की कंडीशन की बात करें तो देख सकते हो 50-60% है, ठीक है। 65,000 है, प्राइस कम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 5,000 कम कर दें, मतलब 60 में छोड़ दीजिएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बात करेंगे यहाँ पे, हमें एक स्कूटी मिलता है होंडा का डियो। मॉडल कब का भैया? ये आपका 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल। किलोमीटर क्या चला हुआ है? किलोमीटर आपका 20,000 चला हुआ है। यहाँ पे देख, 30,000 किलोमीटर अप्रोक्स चल चुका है किलोमीटर, ठीक है। रनिंग 30,000 होने वाला है। 2020 का मॉडल है। नंबर प्लेट की बात करें तो रांची नंबर प्लेट में गाड़ी है। टायर की कंडीशन की बात करें तो देख लो भाई, कुछ इस तरह से होने वाला है। प्राइस क्या रखे भैया इसका? इसका प्राइस आपको 55,000। 55,000? चलिए बहुत बढ़िया, 55,000 मिल जाएगा। डाउन पेमेंट कितना देना होगा? इसका डाउन पेमेंट आपको कम से कम 25,000 देना। 25,000 दीजिए, गाड़ी लेके जाइए ना। चलिए बहुत बढ़िया। बात करेंगे यहाँ पे, हमें मिलता है ग्लैमर। ग्लैमर का हमको मिल जाता है हीरो का ग्लैमर। मॉडल कब का भैया? ये आपका 2020 मॉडल है। 2020 मॉडल। किलोमीटर क्या चला होगा? ये किलोमीटर चला हुआ आपका 17,000। 17,000 किलोमीटर चल गया। रांची नंबर प्लेट में गाड़ी मिल जाएगा। टायर की कंडीशन ऑलमोस्ट 70-80% है। प्राइस क्या रखे भैया इसका? प्राइस आपको 55,000। 55,000। डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसको गाड़ी लेने के लिए? इसमें 32,000 करना पड़ेगा। 32,000 दीजिए, गाड़ी लेके जाइए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, 55,000 रेट रखा गया है भाई। आइएगा तो और कुछ कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे पैशन प्रो हमें मिलता है। मॉडल कब का? आपकी 21 मॉडल है। 2021 मॉडल। किलोमीटर वर्जन में? किलोमीटर क्या चला है? 8,000 किलोमीटर चला। 8,000 किलोमीटर चल चुका है। प्राइस क्या रखे हैं इसका? प्राइस आपको 72 यानी 72,000। 72,000 रुपये लाइए, आप गाड़ी लेके जाइए। इसमें भी कितना कम कर दीजिएगा? इसको अगर लेते हैं पार्टी तो इसमें 4,000 कम किया जाए। 4,000 मतलब 72,000 में भी 4,000 कम करके आपको ये पैशन प्रो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे हीरो का ग्लैमर हमें मिलता है। हीरो का ग्लैमर यहाँ पे हमें मिलता है। मॉडल कब का भैया? ये 2020 मॉडल है। 2020 मॉडल है। किलोमीटर क्या चला होगा? ये किलोमीटर चल चुका है आपका 28,000। 28,000 किलोमीटर चल चुका है। रांची नंबर प्लेट में गाड़ी मिल जाएगा आपको। टायर की कंडीशन की बात करें तो देख लो, कुछ इस तरह से आपका होने वाला है, ठीक है। प्राइस क्या रखे इसका? इसका प्राइस आपको पड़ेगा मात्र 57,000। 57,000 शोरूम आने पर कुछ कम कर दीजिएगा ना। कम। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमें बात करेंगे होंडा साइन, ये कब का है? ये साइन आपका 2016 मॉडल। 2016 मॉडल। किलोमीटर क्या चला होगा? ये किलोमीटर आपका चला होगा 57,000। 57,000 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। नंबर प्लेट देख लो भाई, रांची नंबर प्लेट में ये भी गाड़ी मिल जाएगा। टायर की कंडीशन ऑलमोस्ट अभी 80% है। प्राइस क्या रखे भैया इसका? इसका 48,000। 48,000। कितना कम कर दिएगा आने पे? इसमें आपको कम कर देंगे 5,000। 5,000 कम कर दिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आपका SP साइन हो गया। SP साइन आपको हो जाता है, सॉरी CB साइन है ना? SP साइन। अच्छा SP साइन है, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हो SP साइन आपको मिल जाता है। 125 cc का बाइक होने वाला है। किलोमीटर क्या चला हुआ भैया? किलोमीटर चला हुआ आपका ये 20,000। 20,000। मॉडल कब का होने वाला है? ये मॉडल 2019 मॉडल है। चलिए बहुत बढ़िया। प्राइस क्या रखे हैं इसका? 75,000। 75। डाउन पेमेंट कितना देना होगा? इसमें आपको कम से कम 38,000 देना पड़ेगा। 38,000 दीजिए, गाड़ी घर लेके जाइए ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आपका होंडा लीवो हो गया। होंडा लीवो। मॉडल कब का? ये 2018 मॉडल है। 2018 का मॉडल है। किलोमीटर क्या चला भैया? ये किलोमीटर आपका 19,000 चली है। 19,000 किलोमीटर चल चुका है भाई। प्राइस क्या रखे हैं इसका? प्राइस आपका पड़ेगा मात्र 42,000। 42,000? हाँ। सिर्फ और सिर्फ 42,000 में आपको मिल जाएगा। इसमें भी कम कर दीजिएगा भैया? कम हो जाएगा। कितना कम कर दीजिएगा? इसमें आपको 4,000। 4,000 कम कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बात करेंगे यहाँ पे नंबर प्लेट कहाँ का होने वाला है? रांची नंबर है। रांची नंबर प्लेट में। टायर की कंडीशन देख लो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा बाइक हो जाएगा? ये आपका पैशन एक्सप्रो। पैशन एक्सप्रो BS6 मॉडल। i3s मॉडल। i3s मॉडल, ठीक है। किलोमीटर क्या चला हुआ है? ये किलोमीटर चल चुका है आपका 23,000 कुछ किलोमीटर। 23,000 कुछ चल चुका है, ठीक है। प्राइस क्या रखे हैं इसका? प्राइस आपका 57,000। 57,000। नंबर प्लेट देख लो भाई, रांची नंबर प्लेट है। टायर की कंडीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 70-80% टायर बचा होगा, ठीक है। ये बाइक का बताइएगा मॉडल कब का? ये आपका 2015 मॉडल है। 2015 का मॉडल है। किलोमीटर क्या चला है? किलोमीटर ये चल चुका है आपका 28,000। 28,000 किलोमीटर चल चुका है। पैशन प्रो देख सकते हो। प्राइस क्या रखे इसका? इसका प्राइस आपको पड़ेगा मात्र 52,000। 52,000।
चलिए भाई देख लो, 52,000 में ही आपको मिल जाएगा। JA01 रांची नंबर प्लेट में गाड़ी है। टायर की कंडीशन की बात करें तो भाई देख लो, कुछ इस तरह से आपको होने वाला है, ठीक है। 52,000 प्राइस रखा गया। डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसमें? कम से कम आपको 27,000 करना पड़ेगा। 27,000 दीजिए, गाड़ी अपने घर लेके जाइए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बात करेंगे यहाँ पे पैशन प्रो एक्स प्रो होने वाला है, ठीक है। किलोमीटर क्या चला भैया? यह किलोमीटर चल चुका है 32,000। 32,000, चलिए। मॉडल कब का है ये? मॉडल आपका 2016 मॉडल। 2016 मॉडल है, 32,000 किलोमीटर चल चुका है। नंबर प्लेट देख लो भाई, रांची नंबर प्लेट में। प्राइस क्या रखे इसका? इसका प्राइस आपको मात्र 42,000। मात्र 42,000, इसमें भी कम कर दीजिएगा। हाँ कम कर। कितना देना होगा लोगों को इसमें? आपको 5,000 कम। 5,000 कम कर दीजिएगा 42 में भी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फाइनेंस अवेलेबल है इसमें? फाइनेंस अवेलेबल। कितना देना होगा डाउन पेमेंट इसमें? कम से कम आपको 22,000 देना। 22,000 दीजिए, गाड़ी लेके जाइए ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में, हीरो का स्प्लेंडर प्लस, जो खोजने पे भी नहीं मिलता, हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। नंबर प्लेट देख लो भाई, रांची नंबर प्लेट है, रांची का गाड़ी है। टायर की कंडीशन की बात करें तो भाई देख लो, 70-80% टायर बचा होगा। मॉडल कब का भैया? यह 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल। किलोमीटर क्या चला हुआ है? यह किलोमीटर चल चुका है आपका 28,000। 28,000 किलोमीटर चल चुका है भाई। मॉडल कब? 2018 का। 28,000 किलोमीटर रनिंग होने वाला है। प्राइस क्या रखे भैया इसका? प्राइस 52,000। 52,000 रखे हैं। कितना कम कर दीजिएगा इसमें? आपको कम कर देंगे 4,000। 4,000 कम कर दीजिएगा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। फाइनेंस अवेलेबल है? हाँ। डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसमें? कम से कम आपको 25,000 देना। 25,000 दीजिए, गाड़ी लेके जाइए। चलिए बहुत बढ़िया बात करेंगे। यहाँ पे एक स्कूटी हमें मिलता है, बाकी इधर सारा स्कूटी का कलेक्शन होने वाला है। ये कौन सा होने वाला है? एक्टिवा 5G। किलोमीटर कितना चला हुआ है? ये किलोमीटर चल चुका आपका 37,000। देख लीजिए भाई, यहाँ पे आपको 37,000 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है। प्राइस क्या रहने वाला है? 55,000। फाइनेंस करके डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसमें? आपको 20,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 20,000 लेके आइए, गाड़ी अपने घर लेके जाइए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बात करेंगे यहाँ पे फिर से हमें होंडा का मिलता है। ये कौन सा? एक्टिवा। ये भी एक्टिवा 5G। ये भी एक्टिवा का 5G आपको देखने को मिल जाता है। किलोमीटर क्या चला भैया? ये किलोमीटर आपका चल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 35,000 किलोमीटर चल चुका है। 35,000 किलोमीटर चला हुआ है। कब का मॉडल है? 2019 का मॉडल है। 35,000 किलोमीटर चला हुआ है। रांची नंबर प्लेट में आपको गाड़ी है, देख लो भाई, ठीक है। प्राइस क्या देना होगा इसको? इसका प्राइस आपको 53,000। 53,000। डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसका? रेट पड़ेगा डाउन पेमेंट इसका आपको 22,000। डाउन पेमेंट की बात करें तो ये आप 22,000 रुपया दीजिए, गाड़ी अपने घर लेके जाइए, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे फिर से हमें मिलता है होंडा का एक्टिवा। ये कब का है? ये एक्टिवा 125 हो गया। एक्टिवा 125। नंबर प्लेट देख लो भाई, रांची नंबर प्लेट में आपको गाड़ी मिल जाएगा। ये 2019 मॉडल है। 2019 का मॉडल है। 22,000 चल चुका है। 22,000 किलोमीटर चला हुआ है भाई। मीटर की बात करें तो आप यहाँ पे आप देख लो, डिजिटल मीटर आपको मिलने वाला है। 22,000 किलोमीटर चला हुआ है। प्राइस क्या रखे भैया इसका? इसका प्राइस 45,000। 45,000। कितने में कम करके दे दीजिएगा इसको? 40 वाला। 40 में छोड़ दीजिएगा ना। डाउन पेमेंट कितना देना होगा लेने के लिए इसमें? कम से कम आपको 18,000। 18,000। चलिए भाई 18,000 दीजिए, गाड़ी अपने घर लेके जाइए। बात करेंगे यहाँ पे एक मिलता है होंडा का ग्रेजिया, देख सकते हो। गाड़ी कंडीशन की बात करें तो भाई कंडीशन ठीक है। मॉडल कब का भैया? यह 2020 मॉडल है। 2020 का मॉडल है। नंबर प्लेट देख लो, रांची नंबर प्लेट में गाड़ी है। किलोमीटर क्या चला हुआ है? यह किलोमीटर 12,000 चला। मात्र 12,000 भाई, सिर्फ और सिर्फ 12,000 किलोमीटर चला हुआ है। प्राइस क्या रखे इसका? इसका रेट आपको 57,000। 57,000। फाइनल कितना में छोड़ दीजिएगा इसको? 55 में फाइनल छोड़ देंगे। 55 में फाइनल छोड़ दीजिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसका? हमें डाउन पेमेंट कम से कम 30,000 देना पड़ेगा। कम से कम 30,000 रुपया दीजिए, गाड़ी लेके जाइए अपने घर, ठीक है। तो भाई देख लो, कलेक्शन की बात करें यहाँ पे सारा कलेक्शन आपको दिखा दिए, जो भी बाइक स्कूटी सारा अवेलेबल था, सारा कुछ आपको बता दिए, ठीक है। तो गाइज ये था आपका कलेक्शन, जो भी गाड़ियाँ था यहाँ पे हमने सारा बाइक आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी कलेक्शन यहाँ पे था सारा कलेक्शन आपको दिखा दिए, प्राइस वगैरह है। जो भी प्राइस है आप शोरूम विजिट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगा। सारा कुछ में, सारा बाइक में, जो भी बाइक आप देखना चाहोगे लेना चाहोगे सारे में कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, 4,000-5,000। बाकी अगर नाम ट्रांसफ़र की बात करें तो नाम ट्रांसफ़र का आपको अलग से चार्जेस लगता है, 3,000 चार्जेस रहता है नाम ट्रांसफ़र का। तो आप देख लेना, जब आओगे तो बात कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हो कर देना सब्सक्राइब। बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलूंगा फिर किसी न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।